हेलो फ्रेंड्स, मैं बुसरा कुरैसी बुसरा गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 15-20 दिन पहले जो प्लांट में लाई थी उसकी कटिंग लगाई थी। उसमें कूलियस का प्लांट है, ये देखिए उसकी रूट्स कैसी आ गई है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी रूट्स देखिए आप, ये कैसी आ गई है फ्रेंड्स। मैं आज ये सारी कटिंगों को अपने छोटे छोटे पॉट्स में लगाऊंगी। और ये देखिए, इसमें भी रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं है, पर रूट्स बन चुकी है फ्रेंड्स। और एक और है फ्रेंड्स, ये देखिए इसके अंदर भी रूट्स बन चुकी है। ये प्लांट का नाम मैंने आपको बताया था पहले, जब ये मैं शॉपिंग करके लाई थी फ्रेंड्स, ये उसी की कटिंग है मैंने लगाई थी फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको रिपोर्ट करके बताऊंगी और बहुत सारी और कटिंग्स लगा के बताऊंगी फ्रेंड्स अपने छोटे छोटे पॉट्स में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेड वाला कुलियस जिसकी मैं कटिंग लगा नहीं पाई थी, वो मैं अब लगा दूंगी आज ये सब कटिंग के साथ। मैं आपको रिपोर्ट करके बताती हूँ फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और कटिंग है, ये संचेजिया की कटिंग, ये देखिए फ्रेंड्स ये भी लग चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए इसकी रूट बन चुकी है, ये भी मैं आपको रिपोर्ट करके बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये रोइयो का और स्पाइडर का प्लांट दोनों एक साथ थे और दोनों की ग्रोथ ज़बरदस्त चल रही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसके इसका बेबी निकल आया है, तो मैं इसे अलग कर रही हूँ फ्रेंड्स। दोनों प्लांट को अलग अलग ऐसे ही छोटे छोटे दोनों पॉट में डाल रही हूँ फ्रेंड्स, डाल के बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी बास्केट ऊपर से गिर के, ये देखिए यहाँ पे हैंग की थी, यहाँ से गिर के नीचे टूट चुकी है। मैं इसे रिपोर्ट करके आपको बस शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी बास्केट टूट गई थी तो उससे मैंने जो प्लांट निकले थे उसमें से ये प्लांट था, टर्टल वाइन थी, बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसे ये वाले ऐसा पॉट बना के इसमें लगा दी है। और ये देखिए, ये कल मैंने आपको जो छोटे छोटे पॉट बताए थे हैंग वाले, उसके 2-3 पॉट और बाकी थे कटिंग लगाने में, तो आज मैंने इससे भी कटिंग लगा दी है। ये ग्रीन वाले जो प्लांट देख रहे हैं आप, वो कटिंग में जो है उस पर येलो फ्लावर आते हैं फ्रेंड्स विंटर सीजन में। और ये कूलियस है और ये लोरा पेंटलम की कटिंग मैंने लगा दी है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें भी मैंने ऐसा ही किया है, ये ग्रीन टर्टल वाइन लगा दी है और लोरा पेंटलम की कटिंग लगा दी है फ्रेंड्स इसमें भी। और थर्ड वाले पॉट में भी लोरा पेंटलम और टर्टल वाइन लगा दी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ये सारे प्लांट लगाने के बोला था, कटिंग करके मैं लगाऊंगी ऐसा बोला था, फिर मैंने ये अभी लगा दिए हैं फ्रेंड्स। सारी कटिंग्स लगा के मैंने इसे हैंग कर दिए हैं और पानी भी दे दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, ये बेगम बहार का पौधा, ये ओरिएंटल स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग, ये लोरा पेंटलम की कटिंग, ये पंदानस और ये कोलियास की कटिंग, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए वंडरिंग जू की कटिंग, ये कोलियास की कटिंग। और ये तगड़ी प्लांट है, इसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर आते हैं फ्रेंड्स विंटर सीजन में। ये एक में लाई थी तो मैंने इसमें लगा दिया है। और ये संचेजिया की कटिंग, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तुलसी, और ये एक और बेगम बहार का पौधा। और ये देखिए, ये प्लांट के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी ये कटिंग है, इफोर्बिया की वेराइटी है ये। और ये पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई हुई है फ्रेंड्स, और कलांचो है इसके अंदर देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्पाइडर और रोइयो दोनों एक ही पॉट में थे छोटे से, तो मैंने दोनों को अलग कर दिए हैं फ्रेंड्स, इसे ऑरेंज कलर के पॉट में लगा दिया है, अलग कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी बेबी निकलने लगी है। देखिए इसकी स्टिक निकल चुकी है फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी बेबी होने लगे हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे अलग कर दिया था कल। और ये देखिए, ये पिंक वाला गोहिया का प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए इसके लीव्स के कलर, ये भी स्पाइडर के साथ ही लगा था,
तो मैंने इसे अलग कर दिया, ये पर्पल वाले पॉट में इसे लगा दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये एक और मैंने लोरा पेंटलम का ये पॉट बनाया है। मैंने यहाँ पे ग्रीन, रेड, पर्पल सब मिक्स कलर करके लगाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वेस्ट मटेरियल से इसमें कटिंग डाली थी, अभी मैंने आपको बताई। मेरे तीन पॉट अज्जू लगाने के बाकी थे, वो मैंने लगा दिए फ्रेंड्स। उसमें से एक ये वाइट वाला है, इसके अंदर मैंने ये टर्टल वाइन पर्पल वाली डाल दी है फ्रेंड्स। और एक और ये चंबू ये पॉट था, ये देखिए, इसके अंदर मैंने अभी बताए थे आपको। और एक ये कुलियस की कटिंग डाली थी मैंने, ये देखिए। और एक ये था पॉट जो लगाने का बाकी था फ्रेंड्स, जो मैंने लगा दिया। अब मैं ये तीनों के अंदर पानी दे दूंगी फ्रेंड्स। आप भी इस तरह कटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने गार्डन में कलरफुल मिक्स एंड मैच करके और भी गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो मेरी शुरुआत है, मैं और कटिंग्स लगाऊंगी फ्रेंड्स, और बहुत सारी कटिंग्स लगाऊंगी, और काफ़ी तो मैं लगा चुकी हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं और कटिंग लगाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट जो मैं शॉपिंग करके लाई थी, तो मेरे पास जगह नहीं थी, पॉट नहीं थे, तो मैंने रख दिए थे ऐसे ही प्लास्टिक बैग में। और अब मैंने इसे रिपॉट कर दिया है। इसमें ये देखिए ग्रीन सफलेरा, इसे एक वेस्ट मटेरियल में मैंने रिपॉट किया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये कुलियस, ये देखिए ये कलर का, ये पहले भी मैंने दो तीन बार आपसे शेयर किया है। इसे मैंने एक बास्केट में लगा दिया है ताकि ये मैं इसे हैंग करूँ तो और ज़्यादा खूबसूरत लगे ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने टोकरी आगे वीडियो में बताई ऊपर से गिर के नीचे टूट गई थी, उसमें ये मनी प्लांट मेरा लगा था, अरसपान मनी प्लांट और ग्रीन मनी प्लांट और टर्टल वाइन। तो मैंने टर्टल वाइन इससे निकाल दी, और ओरिमेंटल स्वीट पोटेटो वाइन भी लगी थी तो वो भी मैंने निकाल के दूसरी जगह लगा दी है फ्रेंड्स। और इसे ये मैंने एक मिट्टी का पॉट दे दिया है, देखिए फ्रेंड्स, और इसे इसमें लगा दिया है। और ये देखिए, ये फाइकस का प्लांट को भी मैंने वेस्ट मटेरियल में लगाया है, और इसकी भी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो जाएगी, ये विंटर सीजन में बहुत अच्छा चलता है फ्रेंड्स। और इसके पीछे मैंने एक और प्लांट लगाया है, देखिए ये ब्लैक कलर के पॉट में ये रिपोर्ट किया है, ये भी, ये देखिए इसके फ्लावर लगे हुए हैं, इसमें ढेरों लगे हुए हैं, देखिए फ्रेंड्स। इसी तरह मैंने कुछ प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स, और कुछ अब भी बाकी हैं रिपोर्टिंग के लिए। और ये जितने भी आप वेस्ट मटेरियल देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये जो अभी इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं विंटर सीजन में ये सबको कलर कर दूंगी फ्रेंड्स, तो ये और खूबसूरत हो जाएंगे। मैं हर एक चीज़ को कलर करती हूँ फ्रेंड्स विंटर सीजन में बैठ के, टेरेस पे स्टैंड, पॉट, हर चीज़ को कलर कर दूंगी, तो मेरा गार्डन और खूबसूरत हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आपसे शेयर करूँगी जब भी कलर करूँगी तो।